हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिलेट सीरीज के एक और वीडियो में। आज हम जानकारी लेंगे कोडो मिलेट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि पॉजिटिव मिलेट्स 5 तरह के होते हैं, फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट। आज हम इस वीडियो में कोडो मिलेट के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। मैंने इसके पहले पॉजिटिव मिलेट में ही फॉक्सटेल मिलेट और लिटिल मिलेट का वीडियो बनाया हुआ है, उसमें सारी जानकारी मैंने डिटेल में उन मिलेट्स के बारे में आपको दी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, वहां जाके आप उसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। आज हम जानेंगे कोडो मिलेट के बारे में कि कोडो मिलेट क्या होता है, उसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, साथ साथ में वो कौन कौन सी बीमारियों को दूर करने में हमारी हेल्प करता है, उनको क्योर करता है, और वो कौन कौन सी डिशेज है जो कोडो मिलेट के द्वारा बनती है। इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ में लास्ट तक जुड़े रहिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए और मेरे वीडियो को अगर लास्ट आप देखेंगे तो आपको सारी डिटेल में जानकारी मिल पाएगी। आधी अधूरी जानकारी आपके लिए सही नहीं है, इसलिए लास्ट तक मेरे साथ में यूं ही जुड़े रहिए। और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आई एम श्योर आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही अवेयर है और अपनी हेल्थ को ऑप्टिमल हेल्थ की तरफ ले जाना चाहते हैं। आपने मेरे चैनल पे आके वीडियो देखा है तो आई एम श्योर आपको पसंद भी आए होंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैंने हेल्थ रिलेटेड तरह तरह के वीडियोस बनाए हैं, मिलेट के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, डिटेल में उनकी जानकारी दी है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आई एम श्योर हेल्थ रिलेटेड ऐसे जबरदस्त वीडियोस मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। इसलिए मेरे साथ में ऐसे कनेक्ट कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए कि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिले और आप अपनी हेल्थ को ऑप्टिमल हेल्थ की तरफ ले जाने में मैं आपकी हेल्प कर सकूं। कोडो मिलेट देखने में लाइट ब्राउन होता है, इसके दाने गोल और दानेदार गोल होते हैं। ये अनपॉलिश्ड मिलेट है, आप कोशिश कीजिए कि हमेशा अनपॉलिश्ड मिलेट ही लेकर आए, क्योंकि जो पॉलिश्ड मिलेट होते हैं उन्हें बहुत सारा न्यूट्रिशंस निकल जाता है। कोडो मिलेट जिसको चावल का रिप्लेसमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि चावल के मुकाबले इसमें ये बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। बहुत से लोग तो जो डाइट कर रहे हैं वो इसको शुगर फ्री राइस के रूप में भी लेते हैं। इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि तरह तरह की दवाइयां भी अब इसे तैयार की जाती है। और अगर हम इसको अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं तो कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स तो हमको मिलते ही, साथ साथ में बहुत सारी बीमारियों क्योर करने में भी हमारी हेल्प करता है, क्योंकि ये पूरी तरह से ग्लूटेन फ्री होता है। साथ साथ में इसमें बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, इसमें फाइबर है अच्छी मात्रा में, इसमें प्रोटीन है, ये पूरी तरह से अल्कलाइन भी होता है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो आगे डिटेल में हम जानेंगे। अगर इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो 100 ग्राम कोडो मिलेट से प्रोटीन की मात्रा हमें 6.2 ग्राम मिल जाती है। वहीं इसमें विटामिन B1 हमें 0.33 मिलीग्राम मिलता है, विटामिन B2 यानी कि रिबोफ्लाविन हमको 0.09 मिलीग्राम मिल जाता है, विटामिन B3 यानी कि नियासिन हमको 2.0 mg मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 100 ग्राम कोडो मिलेट में 65.6 ग्राम है, फाइबर इसमें 9 ग्राम मिल जाता है, आयरन की मात्रा 2.9 मिलीग्राम है, कैल्शियम इसमें 0.04 ग्राम है, फास्फोरस इसमें 0.24 ग्राम है, जीआई यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका 52.7 है। कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशियो की बात करें तो 7.28 है। किसी भी मिलेट में अगर ये रेशियो 10 से कम होता है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये कई सारी बीमारियों को हमसे दूर तो रखता है, साथ साथ में वो बीमारियां हमारी रिवर्स कर देता है, क्योर कर देता है, इसलिए ये अपने आप में बहुत ही अमेजिंग है। अगर इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो ये बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद होता है और हमारी हेल्थ को ऑप्टिमल हेल्थ की तरफ जाने में हमारी हेल्प भी करता है। ये ग्लूटेन फ्री होता है, इसलिए जो ग्लूटेन को लेकर इंटॉलरेंट होते हैं वो आसानी से अपनी डाइट में इसको ऐड कर सकते हैं। जिनको सीलिक डिजीज है वो भी अपनी डाइट में इसको आसानी से ले सकते हैं। साथ साथ में इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी कम होता है, इसलिए जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं वो भी अपनी डाइट में इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसको शुगर फ्री राइस भी कहा जाता है। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन रखता है।
साथ साथ में इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होते हैं जो हमारे हेल्थ जो हमारे वेट लॉस में भी हमारी हेल्प करते हैं। ये काफी समय तक हमको फुल रखता है, इसमें बार बार हमें क्रेविंग नहीं होती है और ओवर ईटिंग से बचते हैं जिससे हमारा वेट भी मेंटेन रहता है। ये नेचर में अल्कलाइन होता है इसलिए जब हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव एंजाइम से मिलता है तो हमारे बॉडी के पीएच को भी बैलेंस में रखता है जिससे कि कई सारी डिजीजेस को प्रिवेंट होने में हेल्प मिलती है। साथ साथ में ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, पतला रखता है, ब्लड में थक्के भी नहीं जमे देता है और ब्लड वेसल्स के फैट को भी कम कर देता है, खत्म कर देता है जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है और ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के रिस्क से हम बचे रहते हैं। कोडो मिलेट हमारे बॉडी के बोन मैरो को भी प्यूरिफाई करता है, उसकी फंक्शनिंग भी अच्छी रखता है। साथ साथ में चावल के कंपैरिजन में इसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है जिससे कि हमारी हड्डियां भी मजबूत रहती हैं। ये हमारे बॉडी के आयरन डिफिशेंसी को भी इम्प्रूव करता है जिससे कि हम खून की कमी और एनीमिया से भी बचे रहते हैं। इसमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हम कई तरह की क्रोनिक डिजीज के रिस्क को भी कम कर देते हैं। इसमें मौजूद लेसिटिन नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, साथ साथ में ये वाइट ब्लड सेल्स को प्यूरिफाई करता है जिससे कि हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। ये नेचर में अल्कलाइन होता है जिससे कि हमारे बॉडी के पीएच को बैलेंस रखता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है जिससे कि स्किन से रिलेटेड कई सारी बीमारियां हमसे दूर रहती है जैसे कि स्किन में इंफेक्शन हो जाना, पिंपल हो जाना, सिरोसिस या एक्जिमा जैसी दिक्कतें हमसे दूर रहती है और हमारी स्किन में चमक आती है। कोडो मिलेट ब्लड कैंसर या फिर लीवर के कैंसर के रिस्क से भी हमको बचाता है। साथ साथ में ये हमारी किडनी को प्यूरिफाई करता है जिससे बढ़ा हुआ किडनाइन भी कम हो जाता है और ये रेहोमोटाइट अर्थराइटिस जैसी ऑटोइम्यून डिजीज को क्योर करने में भी हमारी हेल्प करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी को एलर्जी से बचाते हैं, साथ साथ में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन रखते हैं जिससे कि अस्थमा जैसी बीमारी से भी हम बचे रहते हैं। साथ साथ में डेंगू फीवर, टाइफाइड फीवर या फिर वायरल फीवर से भी हमें बचाता है, प्लेटलेट्स को बढ़ाता है और हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। अगर आप स्लीपिंग डिसऑर्डर से परेशान है तो इसको खाने से आपकी स्लीपिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। साथ साथ में ग्लूटेन फ्री होता है इसलिए आपकी गट हेल्थ को भी हेल्दी रखता है और पेट से जुड़ी कई तरह की समस्याएं जैसे कॉन्स्टिपेशन, ब्लूटिंग, सीने में जलन होना, खट्टी डकारे, इन सभी समस्याओं से आपको दूर रखता है। बात आती है कि कोडो मिलेट को अपनी डाइट में ऐड कैसे करना है। सबसे पहले तो इसको इस्तेमाल करने से पहले सिर्फ एक बार एक ही पानी से धोना है, उसके बाद हमेशा 6 से 8 घंटे सोक करने के बाद इसका इस्तेमाल करना है। सोक करने से इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है और इसका फाइबर भी सॉफ्ट हो जाता है और जिस पानी में आप इसको सोक किया है उसी में आप इसको पकाएं जिससे कि सारी न्यूट्रिशन वैल्यू आपको इसकी मिल पाए। और इसका बेस्ट तरीका है इस्तेमाल करने का वो है अम्ली बना के इसको लेना। अगर आप इसकी अम्ली बना के लेते हैं तो कई सारी बीमारियों को क्योर करने में भी हेल्प करता है। इस अमली के अलावा ये बहुत सारी डिशेज है जिसके द्वारा आप इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको चावल के रिप्लेसमेंट जिसकी मैंने आपको पहले ही बताया था चावल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी मनपसंद सब्जी या दाल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आप इसका उपमा बना सकते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल डाल के आप इसका पुलाव भी बना सकते हैं, साथ साथ में आपका इडली बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं, मीठा या नमकीन दलिया भी बना सकते हैं। आप किसी भी तरीके से इसको इंजॉय कीजिए लेकिन सबसे पहले अच्छे से सोक कर लीजिए जिससे कि सभी प्रकार की न्यूट्रिशन वैल्यू आपको मिल जाए और आप हेल्दी भी रहें और साथ साथ में कई सारी बीमारियों से लड़ने में भी आप आगे रहें। ये तो थी कोडो मिलेट के बारे में डिटेल में सारी जानकारी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है या फिर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलेट सीरीज में जो आने वाला वीडियो है वो किस मिलेट पे है, वो है बर्नयार्ड मिलेट में, इसलिए मेरे साथ में ऐसे जुड़े रहे क्योंकि उस वीडियो में हम जानेंगे बर्नयार्ड मिलेट के बारे में डिटेल में सारी जानकारी। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आगे आने वाले वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और जबरदस्त वीडियो में, तब तक आप और हम मिलकर ग्रो करते हैं।